मैं प्रणाम कर रहा हूँ मैम आपको दोनों हाथ जोड़ करके, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी आपको प्रणाम कहा है। और जी उन्होंने एक तो आभार व्यक्त करना है आपको, इस मुसीबत के क्षणों में आपने मध्य प्रदेश को जीएसटी की 1,386 करोड़ की जो राशि प्रदान की है, वास्तव में इस समय प्रदेश को काफी आवश्यकता थी इसकी, और इसलिए बहुत बहुत आभार आपका और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का। दूसरा मैम ये प्रार्थना थी मेरी आपसे कि ये जो आप राशि देती हैं, ये कोरोना का जो परिदृश्य उभर के आया है, इसमें कई चीजों की आवश्यकता है, खासकर रोजगार की आवश्यकता है। अगर क्षतिपूर्ति का जो फंड है, इसमें ऋण की व्यवस्था हो जाए, बढ़ेगी लोन की व्यवस्था हो जाए, ऋण की व्यवस्था हो जाए, तो काफी इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आपने उसमें कहा भी है कि जो कर्ज आपने अभी 5% बढ़ाया है, 3 से 5 किया है, इसमें आपने कुछ शर्त लगा दी है, अगर इन शर्तों में हमें रिलीफ मिल जाए तो काफी लाभ मिलेगा। यहाँ आने के पहले मैं ये जो डाकटी में इसमें सुविधा में जीएसटी का इनको लाभ नहीं मिलता है, पर जो उपकरण खरीदते हैं उस पर जीएसटी देना पड़ती है। वर्तमान समय में कम से कम कोरोना काल में इसमें से इनको सुविधा मिल जाए। एक जो बिल्डर लोग हैं मध्य प्रदेश के, उनका मानना है कि 12% जीएसटी लगता है, रिफंड की व्यवस्था जब होती है जब वो बिकता है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12% जीएसटी को घटाकर 9% किया जाए। ये मध्य प्रदेश की आज उद्योगपतियों की बैठक में 2 विषय आए थे जो मैंने आपके सामने प्रार्थना के रूप में रखे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश राम राम बोल रहा है मध्य प्रदेश में। Oh,